सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाए बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत के साथ चल रहे विवाद मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। ऋतिक रोशन ने कहा है कि वो कंगना रनौत से कभी भी प्राइवेटली नहीं मिले और अगर दो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी के बीच 7 साल तक जबरदस्त अफेयर चलता है और इसका कोई सबूत भी नहीं होता तो ये थोड़ा अजीब नहीं है। ऋतिक ने कहा है कि कई बार सेहत की वजह से इस बात को नजरअंदाज करना घातक भी सिद्ध हो जाता है। मेरे लिए खराब समय घातक सिद्ध हुआ। उन्होंने कंगना रनौत के साथ अफेयर के बारे में कहा, सच ये है कि मैं उस लेडी से अकेले में कभी नहीं मिला। हाँ, हमने एक साथ काम किया है लेकिन प्राइवेट में कोई भी मुलाकात नहीं की, ये सच है। ये विवाद पिछले साल उस समय शुरू हुआ था जब कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन के उनके एक्स बॉयफ्रेंड होने का इशारा किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ये समझ नहीं पाती थी कि पूर्व बॉयफ्रेंड ध्यान खींचने के लिए बेवकूफी भरी हरकतें क्यों करते हैं। कंगना रनौत ने ऋतिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी थी कि वो जब साथ थे उस दौरान की उनकी कॉन्फिडेंशियल ईमेल और तस्वीरों को मिसयूज कर सकते हैं। इसके बाद ऋतिक ने साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई थी। कोई शख्स उन्हें कंगना के फेक ईमेल आईडी से मेल कर रहा था। कंगना और उनकी बहन अभी तक ऋतिक के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कहा गया था कि ऋतिक जनवरी 2014 में पेरिस में कंगना के साथ थे। उन्होंने दावा किया है कि मेरे पासपोर्ट डिटेल इस बात को शो कर देते हैं कि वो जनवरी 2014 में विदेश नहीं गए थे। इस रिलेशनशिप को लेकर एकमात्र सबूत मीडिया में चल रही तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों की पोल उनकी पूर्व पत्नी समेत दोस्तों ने खोल दी थी। ऋतिक रोशन ने कहा है कि ईमेल की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि 3001 साइड ईमेल है जिनकी जांच साइबर सेल कर रहा है। उनके नतीजे कुछ दिन में आ जाएंगे। मैंने अपना लैपटॉप, फोन और अन्य सामान साइबर सेल के पास जमा करा दिए हैं, जबकि दूसरी पार्टी ने ऐसा करने से मना कर दिया है। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह की बातों से काफी लोग प्रभावित होते हैं। इसमें परिवार और बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल ऋतिक रोशन ने तो यहां तक कह दिया कि उनका कोई लेना देना नहीं था कंगना रनौत से। अब देखते हैं कि कंगना इस पर क्या जवाब देती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।